ची 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 ची। इस बादशाह के गांव छोड़ने के बाद से यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा हो गई है। कैसे लोग हैं यहाँ पर? अरे भागो यहाँ से। हे बादशाह। ओए मुझे किसने मारा कुत्ते हराम खोर। अरे प्रसाद, ये गांव में आते ही मेरा कैसा स्वागत हुआ यार। जाने देना, तू ठीक तो है ना? सर घूम गया था। अरे यार, अच्छा शहर में क्या काम करते हो? बिजनेस बिजनेस व्यापार करता हूँ। क्या बिजनेस है? कटिंग बिजनेस, कटिंग कटिंग। ये बड़ी हो तो खुदा भी क्या करेगा। चल तेरा बोझ हल्का करो। ठीक तरह से खाओ बेटी, नहीं तो कपड़ों पे गिर जाएगा। हो गया, संभलता नहीं, मैं संभाल के रखूंगा ना। तो बेटा तुम बिजनेस कहाँ करते हो? जहाँ बिजी एरिया होगा वहाँ। मेरा बिजनेस जनता की भीड़ भाड़ हो वहाँ ज्यादा चलता है। अब आपको क्या बताऊं? अरे मेरी बेटी की चेन चोरी हो गई। अरे बाप रे, माझे पर्स, मेरा बैग कहाँ गया? सब मैं संभाल के रखूंगा ना। वैसे तो सबके फोटोज अपने घरों में होते हैं, लेकिन मेरे फोटोज तो आजकल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन में नाम के साथ लगे। पाशा तू कमाल है। तू अपनी माँ का नेकलेस चोरी करके भाग गया तो पहले तो बड़ी दुखी हुई, मगर बाद में बड़ी खुश हुई। क्यों दुखी हुई थी? फिर क्यों खुश हो गई? नेकलेस खोकर दुखी हुई थी, तुमसे छुटकारा पाके खुश हो गई थी। अरे माँ, ये बात अगर मुझे पहले पता होती तो मैं अपनी माँ के लिए ये नेकलेस लेकर ही नहीं आता। तो मुंबई में इतना कमाता है? चाहो तो तुम भी आ जाओ। मैं आ जाऊंगा तो मेरे माँ पिताजी को कौन संभालेगा? अरे खूब पैसा कमाओ तो वो पैसा सबको संभाल लेता है। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी है, इसलिए बोल रहा हूँ। तुम ये गाँव छोड़कर मुंबई आ जाओ। मुंबई में माता के मंदिर के पास आके बादशाह भाई का घर किधर है पूछना। क्या पूछोगे? बादशाह भाई का घर किधर है? हाँ। अगर पूछोगे तो वो बता देंगे। हाँ। आते ही काम शुरू और पैसा ही पैसा। मैं माँ से पूछूंगा, वो भेजेगी तो आऊंगा। इट्स मी। नमस्ते। नमस्ते। आप लड़की की दादी हो, ये लड़की की माँ और ये मेड, मतलब इंडिया में काम वाली। Am I right? Right. If you don't mind, can I take one sleepy? Thank you. Please come. थोड़ा close आ जाओ. Yeah. अमेरिका में काम वाली नहीं होती है ना? आप अकेले आए हैं? शादी भी अकेले ही करूंगा. Basically मेरा sense of humor बहुत अच्छा है. मैं joke करता हूँ तो पूरा अमेरिका हिल जाता है. पूरा अमेरिका हिल जाता है कह रहे हैं? आप आइए ना. Tissue use करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है. Yeah. बैठिए। अमेरिका में सारे काम के लिए टिश्यू यूज करते हैं। जल्दी से लड़की को बुलाइए। नो टाइम, टाइम इज मनी। आ जाएगी, आ जाएगी। वैसे आप अमेरिका में कब से सेटल्ड हैं? वन मंथ। वन मंथ? या आई ब्रेथ फॉर अमेरिका, आई लाइक अमेरिका, आई लव अमेरिकन्स दादी जी। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी, कॉफी में नो शुगर, स्नैक्स में नो सॉल्ट, सब सादा सादा अमेरिकन स्टाइल। और हाँ, शादी कब का सोच रहे हैं? अब लड़की पढ़ना चाहती है। ओ फंटास्टिक, लड़की को पढ़ने के लिए बोलिए, मैं आता हूँ। ये जो अमेरिका में होता तो मजा आ जाता। मजा आ जाता। अर्जन लड़की को बुलाइए, देख के चला जाऊंगा। वही तो नहीं है, वो ब्यूटी पार्लर गई हुई है। ओह इंडियन फूल गर्ल्स गोइंग टू ब्यूटी पार्लर टू अटैक द अमेरिकन दूल्हास। बेटा ये सब मेरी पोती को मिला है। ओह फैंटास्टिक। ये देखो, ये साइकिल रेस में जीता है। ओह शी इज डूइंग साइकिलिंग, हेल्थ अच्छी रहती है, वेरी गुड। और ये मिला है? नहीं, चेस में मिला है। यू नो व्हाट इज द चेस? व्हिच इज नॉट कैरम बोर्ड। ये जो अमेरिका में किया होता एक घंटा हंसते रहते। exactly. कॉफी लीजिए। Aren't you naughty? I like Indian coffee, Indian girls. लड़की को जल्दी बुलाइए। पांच मिनट में आ जाएगी। पांच लड़कियों को देखना है, एक को सिलेक्ट करके एंगेजमेंट करनी है, फिर शादी, उसके बाद तो आपको पता ही है ना, अमेरिका फ्लाई हो जाना है। वो बस आने वाली ही है। अरे बाप रे, तेरी तो कितना गंदा भविष्य बता रहा तेरा ये रोबोट। ये इसको क्यों कोसता है जी, सही तो बोलता है। ऐसा बेकार भविष्य लेके इस धरती पर कोई नहीं जी सकता, बेकार मशीन है। बोलता है पानी से खतरा होगा। बोलता है तो पानी से आपको जरूर खतरा होगा जी। पानी से मुझे खतरा होगा तो क्या मैं पानी में डूब जाऊंगा? समुद्र है तो क्या सुनामी आ जाएगा? मुंबई में सुनामी का कोई खतरा नहीं। सर पैसा, वो होते तो अपना भविष्य क्यों सुनता बे। अच्छा मैं तुझे पैसे दूंगा कि नहीं, जरा अपनी मशीन से पूछ। चल पूछ पूछ। ऐसी उल्टी सीधी मशीन को रख के दो चार शब्द टेप करके उल्लू बनाते हो? सर आप पैसा नहीं दे सकता। नहीं दे सकता? नहीं नहीं दूंगा। मेरे को मालूम सर, आपका पर्स ऑलरेडी किसी ने उड़ा लिया है। आहा? उड़ा दिया? मेरा पर्स क्या है, उसमें तो 1000 का नोट था। फॉरगेट है सर, आपका किस्मत ही ऐसा है। गो
क्या सच में मुझे पानी से खतरा है? जरूर होगा सर। यह क्या, उसने तो 1000 बोला था, इसमें 200 कम है। कहता है पानी से खतरा है। बाप रे, पानी से खतरा मतलब नहाना छोड़ दे। अरे पानी में रहने से तो कोई मुसीबत नहीं। देखते हैं। बढ़िया है, कोई बात नहीं। है? तेरी वजह से मुझे खतरा नहीं, मेरी वजह से तुझे खतरा है। इस तरह पानी से डांस क्यों कर रहा है? रोड है जी, पानी है जी, डांस करूं या कुछ भी करूं? क्यों जी, आपका घर तो नहीं है, रोड है, पानी है, ऐसे क्या घूर रहा है बे? नीचे देख। पानी है जी। ओए नीचे देख। देखा तो। पानी से मुझे खतरा होगा, यानी इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा, नहीं सोचा था। ओए सुन, मेरा समय ठीक नहीं चल रहा था, कब से शादी सेट नहीं हो रही थी, 3 साल से शादी के वास्ते घूम रहा हूँ। जब मेरा समय बदला, मैं बांध ठान के जा रहा था, तूने कपड़े खराब कर दिए। तेरी तो वो बस आ जाएगी, आ जाएगी। बेटा ये उसे मिला था। How many times you told? ये साइकिल, ये चेस, ये अदर स्पोर्ट्स, how many times? ये मेरे को देखा होता तो वो सू करेगा। सू करेगा? या बाथरूम उस तरफ है, चलिए। कॉफी। How many coffee I can drink, जी? How many coffee? और कॉफी पिया तो मेरे कान से बाहर आ जाएगी कॉफी। और 5 लोगों को देखना है, एक से एंगेजमेंट करनी है, फिर शादी करनी है, उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है, उसके बाद अमेरिका फ्लाई होना है। क्यों नहीं समझते? पी लीजिए। पी लो ना बेटा, पी लो, आ जाएगी, आती होगी। और 5 मिनट दूंगा, वो नहीं आई तो आई विल आउट। इस टाइम को करंट भी जाना था। यही अमेरिका में हुआ होता तो सू करते थे ना। एग्जैक्टली, अब और इंतजार नहीं होता। आई एम अंकल ऑफ नंदू। नंदू कहाँ है? सेकंड फ्लोर पे। ओके। यहाँ पीना ठीक नहीं है, टॉयलेट में ठीक रहेगा। या साला ऊपर को पीने भी नहीं देता ये फ्रेंच कट प्रिंसिपल का बच्चा। ओए सुरेश। क्वार्टर का कबाड़ा। बाथरूम में क्या कर रहे थे? बाथरूम में कोई क्या करता है ये भी समझाना पड़ेगा। बाथरूम में वही नहीं होता, बीबी के डांटने पर, मारने पर कुछ लोग छुप के रोते हैं। मेरी बीबी कभी मेरे को नहीं मारती जी। तुम हमेशा नशे में रहते हो, वो कब मारेगी तुझे? चलो खा निकालो। ये क्या शराब की बदबू? फिनाइल की जगह शराब तो नहीं डाल दिया? ये क्या हॉस्पिटल में ऐसे चिल्ला रहे हो? चिल्लाना मना है क्या? ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, पूरा जल गया है, चिल्लाऊंगा नहीं। जला है तो? जला। डॉक्टर कहाँ है? वो आएंगे, जल्दी क्या है? वो कोई फायर इंजन है जो हमेशा लेट आएगा। कहाँ है इस वक्त डॉक्टर? हेलो, हाय जूली। इडियट पत्थरीस। ये क्या सर, आप हमेशा सबको पीछे से क्यों मारते हैं? किसी को देखता हूँ तो पागल हो जाता हूँ। अम्मा, अम्मा, ये भी उल्टा है। ऐसे चिल्लाता क्यों है? अबे तो वहाँ क्यों आ रहा है? डॉक्टर साहब, तेरा केस क्या है? फायर एक्सीडेंट। तूने खुद जलाया या किसी ने जलाया? मैं खुद। थोड़ा जलाया या पूरा जल गया? पूरा। वहीं पर क्यों जलाया? मेरी बदकिस्मती। बदकिस्मती से जला क्यों? एक्सप्रेस का ट्रीटमेंट से क्या संबंध? ओके। इतना रफली मत हैंडल करो। क्या उपयोग किया, केरोसिन या पेट्रोल? मटेरियल क्या था मुझे पता नहीं। पता नहीं बोलेगा तो इलाज कैसे करेंगे? तुम और जला रहे हो। केस इज क्रिटिकल, ट्रीटमेंट इज सिंपल, बनना लगाओ, बैंडेज बांधो। बैंडेज बांधने के बाद मैं घर जा सकता हूँ? नहीं भाई, 1 महीना रुकना पड़ेगा। हाँ। बिल भरना है ना? बरनाल का, उसी से तो हॉस्पिटल बनाया हमने। अरे मारो मत, मैं 2 महीने रह जाऊंगा।
चले पे क्यों नमक छिड़क रहा है रे? कैसा रहा मेरा ट्रीटमेंट? कम ऑन नर्स। हाँ वो बस आती ही होगी, आती ही होगी। आप देखिए ना ये तो कितना बताएगी, कितना बताएगी। ये साइकिलिंग का अवार्ड, ये चेस का अवार्ड। और बताता हूँ, ये फोटो देख रहे हो ना, ये फोटो तब की है जब तेरी शादी हुई थी। तेरे भाई के बेटे से निकला था, अब वो डायरेक्टर है। तेरे पसंद का सीरियल है बालिका वधू, और उसके साथ साथ जो सीरियल तू देखती है वो है नागिन। और ये तेरे घर की काम वाली है, इसका नाम है चंडी रानी। ये घर में पोछा मारती है, बर्तन धोती है। इसकी पगार 1500 है, कपड़ा प्रेस की तो 100 रुपए, उसे घड़ी किया तो 100 रुपए एक्स्ट्रा। दिन में 2 बार बर्तन खींचती है, हफ्ते में 1 दिन बाथरूम खींचती है। और तुम लोग शॉपिंग करते हो मोर सुपर मार्केट में, और तुम लोग खाते हो वो सोना मसूरी चावल है। तुम रात को चावल नहीं खाते, सिर्फ चपाती खाते हो। जब तुम चपाती बनाती हो तो रुई के जैसी होती है। ऐसा तेरा पति जब जिंदा था तब कहता था। तेरे बाप को लव मैरिज पसंद नहीं था, इसीलिए तुझे तेरी बहू पसंद नहीं है। इसीलिए तू अपनी पोती की अरेंज मैरिज कराना चाहती हो, क्योंकि तुझे अरेंज मैरिज ही पसंद है। और इसीलिए मैं अमेरिका से आया हूँ। कितना बोलेगी, याद हो गया है मुझे, जैसे पहाड़ याद होता है। कॉफी की माँ की कॉफी बनाओगी? कॉफी बना बना के मेरी चाल ले लोगी क्या? ये मंगलसूत्र तेरे गले में बांध देता हूँ। मुझे छोड़ो, गले में बांधूंगा मंगलसूत्र, बांधूंगा। तुझसे शादी करूंगा, अमेरिका में जाकर परिवार बढ़ाऊंगा, और इंतजार नहीं कर सकता, और कॉफी नहीं पी सकता। हेलो दादी, टीवी ऑन करके देखिए, मैं निजाम टीवी पर लाइव आ रही हूँ। अरे वो आ गई, आ गई, आ गई। छोड़ो मुझे, आ गई। कहाँ है? टीवी में। टीवी में? चलो टीवी। कौन है? कौन है? वो है ना वो लड़की जो ऑटो में बैठी है, वो लड़की। हाँ वही वही। हेलो, ये लो दामाद जी से बात करो। माथे पे टिक्की क्यों नहीं लगाई? बाल को जरा ठीक कर लो, सिरों पर उठाना नहीं। हाँ ओहो, सिर नीचे रखो और हंसना थोड़ा, बस थोड़ा है। यहाँ ये हुई ना बात, लो इससे बात करो। मेरी पोती। हाय, हेलो, दिस इज बाबू, बोरा बाबू फ्रॉम यूएसए। दिस इज वन साइड रिश्ता। आई कैन सी यू, यू कांट सी मी, यू आर सो ब्यूटीफुल। बस, यू कैन टॉक टॉक टॉक। सुनो शहर के लोगों, ये लोग जरा सी ढील दे तो कुछ भी बोलते हैं। अगर ऐसा है तो इस ट्रैफिक जाम के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा को भी इस्तीफा देना चाहिए। बोलो ओबामा को इस्तीफा दे देना चाहिए। मंगलसूत्र रेडी है, हम कब शादी करेंगे? ये कौन है मेरी हीरोइन को टच कर रहा है? ए, कौन है ये लड़का? पागल हो गया है क्या? लड़की को डाउट हो जाएगा। सुनो, कैमरे की तरफ घूमकर बोलो, ओबामा को इस्तीफा दे देना चाहिए। ओबामा को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये रिश्ता कैंसल। रिश्ता कैंसल? क्या बात है, मुझे तुरंत आने को कहा, ये चोट कैसी? मुझे गुंडे ने मारा यार। कौन है वो? मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे वो शादी करने वाला है। मैंने उसे रोका तो उसने मारा मुझे। बताना कौन है? वो एक स्प्लिट पर्सनालिटी वाला है यार। स्प्लिट पर्सनालिटी? इसका क्या मतलब? अपरिचित में विक्रम जैसी पर्सनालिटी। वो अपरिचित का विक्रम है तो मैं भी चंद्रमुखी का रजनीकांत हूँ। ए, और कितने दिनों तक फिल्मी डायलॉग बोलते रहोगे? एक बार और एडजस्ट कर लो प्लीज। ठीक है, जा मारो। इस वक्त कहाँ होगा वो? क्या नाम है? कुमारी। नाम तो बड़ा साधारण है, शक्ल लाजवाब है। ये क्या केले हैं? ऊपर से कटे हुए क्यों हैं? ये क्या सिल्क की साड़ी? इसमें सिल्क कहाँ है? वो क्या मिठाइयाँ? उस पर ढक्कन नहीं। किसी में शुद्धता नहीं, मर्यादा नहीं, जिम्मेदारी नहीं। यहाँ किसी को भी साफ सफाई की कोई चिंता ही नहीं है। जहाँ देखो गैर जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदारी। भैया बाहर वो कोई रजनीकांत के स्टाइल में फाइट कर रहा है। भगवान
तू ये दूल्हा राजा। ध्यान से सुन एक बात, या तो जिसे तुम प्यार करते हो उस लड़की से शादी करो, या फिर तुमसे जो लड़की प्यार करती है उससे शादी करो, लेकिन किसी और के प्यार को हथिया के शादी करना चाहते हो। देखिए अब तक 37 बार मेरी शादी रुक गई है, दया करके मेरी शादी मत रुकिए सर जी। अरे 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 अरे, मुझसे मिन्नत कर रहा है, तुझमें कोई स्प्लिट, हाँ स्प्लिट पर्सनैलिटी घुसी हुई है, उसे बाहर निकाल, बाहर निकाल, मैं भी देखता हूँ उसे, बाहर निकाल, बाहर निकाल, कमान 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 कमान। वैसे आज तारीख क्या है? 15 जनवरी। 15 फरवरी तक नहीं उठेगा। तब तक मैं तुम्हारे लवर से तुम्हारी शादी करा दूंगा, कम ऑन। आवाज बदल के बोल रही हो? मैंने नहीं जी। क्यों मारा उसे तूने? किसे? ये क्या सर, आप ऐसे गिर गए, मुझे मार के आप क्यों गिर गए सर? ए, मेरे बारे में तुझे पता नहीं है? अबे तुझे भी नहीं पता मेरे बारे में, अभी थोड़ी देर पहले प्यार व्यार पर लेक्चर बहुत दे रहा था। मैंने कब दिया सर? ये क्या सर, आप ऐसे क्यों कांपने लगे? इसी मूड में रहो ना, मैं भाग जाऊंगा। सर अब तक करीब 37 लोगों ने मेरी शादी रोक दी सर। उन 37 लोगों को मैंने ही मारा था, अब आप बीच में आएंगे तो तुम्हें भी मार डालूंगा मैं। छोटी सी गलती के लिए जान से मार देंगे क्या? एक शादी को रोकना छोटी गलती है क्या? हाँ सर। वही 10 लोग 10 शादियां 10 बार रोकेंगे तो? थोड़ी बड़ी गलती होगी सर। फिर 37 लोग 37 शादियां 37 बार रोकेंगे तो? तब तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी सर। ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां सब मिलके एक बड़ी गलती बना के उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तो उसकी शादी कैसे होगी? जी सर, मेड इन हेवन कहते हैं ना सर। सर सर, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं जी? कर दिया तूने। मैंने अपने जीवन में महमूद को देखा, जॉनी वॉकर को देखा, जॉनी लीवर को देखा, राजपाल यादव को देखा, सबको देखा, मगर तेरे जैसा बड़ा कॉमेडियन नहीं देखा। आई लव यू, तुझे नहीं उसे। मैं हीरो की तरह मार रहा हूँ और तुम कॉमेडियन से मुझे जोड़ते हो? जानते हो तुम जैसों को क्या सजा देता हूँ मैं? नहीं जानता। जोर से। नहीं जानता। जानता हूँ, जानता हूँ, फिल्म में देखा हूँ। सगाई रोकने की सजा अंधकूपम, शादी रोकने की सजा कुम्भपाकम, सुहागरात रोकने की सजा किर्मि भोजनम, लेकिन तुम जैसे शादी रोकने वाले को शूल दंड नाम। शूल दंड मतलब फूलों की माला पहनाओगे क्या? मैं तुमको समझ नहीं पा रहा हूँ यार। सर ये क्या सर, इसको यहाँ क्यों ले आए हैं? ए तूने, आप ही ने तो लाके रखा है सर। मैं क्यों लाया हूँ यहाँ पे? यू फॉरगेट दैट समथिंग सूल दंडनम। सूल दंडनम मतलब इस पे बैठो। सर कुर्सी वहाँ पर है तो इस पर क्यों बैठे हैं जी? क्या करूँ, सबका अलग अलग टेस्ट है। बड़ा मजा आया ना, अपने आप को रजनीकांत समझते हैं। हम भी फिल्में देखते हैं और उसे सीखते भी हैं। स्प्लिट पर्सनालिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, समझे? आपसे शादी करूंगी जी। थैंक्स जी।